हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों को यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, यदि आपको मैथ का वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से स्केल होते हैं जिस पर कि हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बच्चों, ये स्केल पढ़ने से पहले, मेजरमेंट पढ़ने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज टेम्परेचर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी उसका हॉटनेस होता है और जो उसका कोल्डनेस होता है उसको ही मेजर किया जाता है। जिस चीज से उसको मेजर किया जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस मार्कर का हॉटनेस या कोल्डनेस कितना होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेम्परेचर। हम बोलेंगे कि इस मार्कर का टेम्परेचर इतना है। यदि मैं कहूँ कि इस रूम का, है ना, इस रूम का कोल्डनेस या हॉटनेस कितना है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है, उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसको जिस टर्म में हम उसको मेजर करते हैं उस टर्म को बोला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, हम बोलेंगे इसका रूम टेम्परेचर कितना है। ठीक है, या फिर जब कभी हम अपना, हमको बुखार हो जाता है और हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम अपने टेम्परेचर को भी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि शरीर कितना गर्म हो गया है ना, बुखार कितना तेज है। ठीक है, या शरीर कितना, जब शरीर कभी कभी ठंडा पड़ने लगता है तो शरीर कितना ठंडा हो रहा है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कितना गिर रहा है। ठीक है, उसी को हम, जिस टर्म में हमारा शरीर कितना गर्म है उस गर्माहट को हम किस टर्म में उसको मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मेरा भी टेम्परेचर मेजर होगा तो मैं इस टाइम क्या हो जाऊंगी? ऑब्जेक्ट। अगर हम इस रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो ये रूम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमको कुछ चाहिए, कुछ हमको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई मशीन चाहिए जिससे हम मेजरमेंट करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है या बॉडी टेम्परेचर कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है और उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्म मतलब क्या होता है? थर्मा जो वर्ड होता है मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मामीटर मतलब ऐसा मीटर जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट देता हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? थर्मामीटर। अब थर्मामीटर का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? गैलीलियो ने। यानी कि फर्स्ट थर्मामीटर, आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट थर्मामीटर का डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे गैलीलियो। और सेकंड थर्मामीटर का डिस्कवर किसने किया था? वो थे फारेनहाइट। ठीक है, अब ये हमारे जो थर्मामीटर होता है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर चार थर्मामीटर यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट थर्मामीटर हमारा डिग्री फारेनहाइट है ना, एक ये हमको ये थर्मामीटर दिख रहा है और इस थर्मामीटर में मैंने यहाँ पर हम किस डिग्री में इसको मेजर करेंगे, है ना, हमारा यूनिट क्या होगा, है ना, मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट स्केल हम देखेंगे तो मेजरमेंट स्केल कितने होते हैं? ये हमारे फोर टाइप्स के मेजरमेंट स्केल होते हैं, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और ये होता है हमारा रोमर। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट, देखिए बच्चों फारेनहाइट को कैपिटल एफ से लिखा जाता है। ठीक है, ये चारों चीजें क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को एक उसका यूनिट होता है ना, कि आप उसको यूनिट में बोल सकते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूंगी कि अगर हम देखते हैं कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, हमको अगर चीनी खरीदना है, ठीक है, तो शुगर खरीदने के लिए हम क्या करते हैं? केजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कि इतने किलो लेना है, ग्राम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी को देखिए, शुगर उसके वेट को आप केजी में भी देख सकते हैं, ग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस यूनिट का हम यूज कर रहे हैं उस वही यहाँ पर टेम्परेचर भी है कि आप टेम्परेचर जब दे रहे हैं तो आपने किस यूनिट का यूज किया है उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक ही बात होगी लेकिन उसी चीज को अगर हम डिग्री फारेनहाइट में बताते हैं तो वैल्यू वहां पे कुछ और आएगा, अगर उसी को हम डिग्री सेल्सियस में बताएंगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सारी चीजें यूनिट यूज करते हैं और जिस तरीके से हम केजी, है ना, ग्राम ये चीजें यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए भी क्या किया जाता है? डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और रोमर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें
देखिए इसके आगे हमें इसको डिग्री फॉर एन एडिकॉर्प कैसे लिखेंगे, हम कैपिटल एफ लिखते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ये सर्कल बनाते हैं जिसको बोला जाता है डिग्री। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, डिग्री फॉरेनहाइट। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे केल्विन। ध्यान दीजिएगा केल्विन में ये छोटा सा सर्कल यानी कि डिग्री का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री नहीं बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। और केल्विन को ऐसे ही बनाया जाता है विदाउट डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, केवल इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये जो हमारा के होता है यानी कि जो हमारा ये केल्विन होता है, ये केल्विन सबसे अच्छा यानी कि इसको कहा जाता है कि मेजरमेंट में ये हमारा बेस्ट स्केल है। ठीक है, सबसे अच्छा है। ठीक, के मतलब केल्विन, केल्विन जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं कि ये हमारा बेस्ट, ये बेस्ट स्केल है। तीनों में से अगर बात किया जाए डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, केल्विन को बोला जाता है कि बेस्ट स्केल है। इसको बेस्ट स्केल क्यों बोला जाता है, बिकॉज केल्विन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आप नेगेटिव में भी पा सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकती है, बट के की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। इस वजह से के को बोला जाता है कि ये बेस्ट स्केल है, या इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। ओके, ये हो गया के। अब देखिए डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट जो होता है इस यूनिट का इस्तेमाल मेजरमेंट में जो भी हमारा वैल्यू रहेगा, जैसे मैं कहती हूँ 50, तो 50 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, अगर हमने 50 टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू में 50, उसको अगर हमने फॉरेनहाइट में मेजरमेंट किया है, तो ज्यादातर इस फॉरेनहाइट, इस यूनिट का यूज कहाँ किया जाता है, मेडिकल में। ठीक है, मेडिकल टर्म में, यानी डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो ज्यादातर जब आपको बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो वो किसे बताते हैं, फॉरेनहाइट में बताते हैं ना। तो ज्यादातर फॉरेनहाइट का यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, मेडिकल में किया जाता है। ठीक है, और डिग्री फॉरेनहाइट इसके बारे में हमको बताया था जिन साइंटिस्ट ने, उनका नाम है डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट। इस वजह से इनके नाम में ही आप देख रहे हैं कि फॉरेनहाइट आता है, तो इन्होंने अपने नाम से ही इसको, अपने स्केल को जो उन्होंने मेजरमेंट का स्केल दिया उसको इन्होंने डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट से इसको रिप्रेजेंट किया। ओके बच्चों, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की बात करें हम, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो कहीं भी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बुक्स में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर टेम्परेचर जो होता है वो फॉरेनहाइट में ना होकर के डिग्री सेल्सियस में होता है। और बच्चों को फॉरेनहाइट के टेम्परेचर भले ही याद ना हो, लेकिन बर्फ, आपको पता है कि बर्फ जो होता है उसका आइस, जब वाटर जो है और आप अपने सॉलिड फॉर्म में यानी कि जब आइस के फॉर्म में रहता है, तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में आपको याद रहता है ये वैल्यू। ठीक है, या आप अगर कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बहुत ही आराम से बता देते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने क्या यूज किया, डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादातर यानी कि कॉमन, कोई भी कॉमन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉमन पर्सन होते हैं, तो वो डिग्री सेल्सियस का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस यूनिट का यूज किया जाता है। डिग्री सेल्सियस का के बारे में सबसे पहले वो किसने बताया था, इसके बारे में एंडर्स सेल्सियस ने बताया था। इस वजह से इनके नाम में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल्सियस है, तो इस वजह से इन्होंने भी अपने ही नाम से यानी कि सेल्सियस को से ही सेल्सियस यहां से लेकर के इसको डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट किया। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं हम के यानी कि केल्विन। केल्विन को और केल्विन के बारे में जिन साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम है लॉर्ड विलियम थॉमसन। ठीक है, लॉर्ड विलियम थॉमसन ने के यूनिट बताया, ठीक है, मेजरमेंट का। तो ये हो गया हमारे स्केल पर, हमने देखा ये 3 यूनिट, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ओके, अब हम को बच्चों इसमें जो पूछता है ना, मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिग्री फॉरेनहाइट की मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लोअर वैल्यू कौन सी है और हाईर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो डिग्री फॉरेनहाइट में लोअर वैल्यू यानी स्टार्ट कहां से होगा, जाएगा कहां तक, है ना, तो लोअर वैल्यू इसकी क्या होती है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये इसकी लोअर वैल्यू होती है। और अगर हम हाईर वैल्यू की बात करें तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट ये इसका हाईर वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, इसकी हायर वैल्यू क्या है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री सेल्सियस में लोअर वैल्यू बताइए और हायर वैल्यू बताइए, ठीक है, तो बच्चों इसकी लोअर वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस यहां से स्टार्ट होकर के और कहां तक जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लोअर वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और हायर वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में लोअर वैल्यू जो होता है वो 273 केल्विन लोअर वैल्यू और हाईर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। ये चीजें इनमें से आप देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, ये जो हमारे 1, ये हमारे 6 जो वैल्यू दिए गए हैं उनको आपको लर्न करना है।
ठीक है, आप लर्न भी कर सकते हैं या फिर आपको सिर्फ ये तो याद ही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आप आराम से ये और ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखें फॉर्मूला तो कोई याद करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ते हैं। अब वाटर का, कोई आपसे पूछेगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि वाटर कितने पॉइंट पर जो है जीरो मतलब फ्रीज हो जाता है, यानी कि सॉलिड में, यानी कि आइस में चेंज हो जाता है। तो आइस का टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, है ना, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम अगर देखते हैं, तो वो फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर ये आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाएगा तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में आप बताएंगे तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। यदि आपसे पूछा जाता है कि उसी वाटर का इसकी फ्रीजिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट बताइए बट डिग्री सेल्सियस में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेल्सियस में है, देखिए वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया है ना, बात उसी की हो रही है, वाटर के फ्रीजिंग की बात हो रही है और वाटर के बॉइलिंग की बात हो रही है, लेकिन थर्मामीटर अलग अलग लेंगे और जब हम यहाँ पे स्केल अलग यूज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हैं चेंज हो गया, यहाँ 0 है तो यहाँ 32 है, यहाँ 100 है तो यहाँ 212 आ गया। ओके, और इसी तरीके से केल्विन, केल्विन में अगर हम देखते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो 273 होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 373 होगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे और इसके जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, केवल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एक एब्सोल्यूट जीरो है ना, यहां पर भी एक ही बता रखा है वैल्यू, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि डिग्री फॉरेनहाइट में आप देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू है, आपने डिग्री सेल्सियस में देखा कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, बटके में आपने देखा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और बच्चों इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो स्टडी करेंगे जिसमें मैं आपको एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए, तो इधर का हमारा ये पोर्शन हो गया, अब हम और एक चीज देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं आर, एक हमारा बच्चों एक और ये स्केल होता है जिसको रोमर बोला जाता है, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 80 पर जाता है, यानी कि 0 इसकी लोअर वैल्यू हो गई और 80 इसकी हायर वैल्यू हो गई, बट ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं ना के बराबर, इसलिए मैंने आपको इसमें इसको ऐड नहीं किया, इसको सेपरेट में रखकर दिखाया है, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, है ना, बट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बच्चों इस एफ में, इस सी में और इस के में क्या रिलेशनशिप होता है ना, रिलेशन क्या होता है और कैसे हम इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं, क्या इस एफ को हम एफ की वैल्यू को सी में बदल सकते हैं, ठीक है, सी की वैल्यू को क्या हम एफ में बदल सकते हैं, सी की वैल्यू को क्या हम के में बदल सकते हैं, के की वैल्यू को क्या एफ में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपस में इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मूले से। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब बच्चों हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, हमारा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट और ये केल्विन, ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और क्या फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। जब हम डिग्री सेल्सियस को देखिए, हमको वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है सी की और हमको दिया गया है एफ, ठीक है ना, एफ की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि 50 हमारा 50 डिग्री फॉरेनहाइट है ना, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करके बताओ कि 50 डिग्री फॉरेनहाइट अगर सेल्सियस में आएगा तो हम उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, मतलब 50 किस में चेंज हो जाएगा। अगर हमको ये चीज निकालना है, यानी कि सी और एफ के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो ये हमारा नंबर वन फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर वन इसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ब्लू कलर से लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ से नंबर वन यहाँ पर भी है और ये फॉर्मूला मैंने ब्लू कलर से लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि ये ब्लू वाला ये इसका फॉर्मूला है। नंबर टू रेड से है, ये भी रेड से है। नंबर थ्री ब्लैक से है, देखिए ये भी ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर फोर ये हो गया, नंबर फाइव ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं पहला कि सी हमको फाइंड करना है और एफ की वैल्यू हमको अगर दे रखी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तब बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर वन ये, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाई डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32, यानी कि यदि आपको एफ की वैल्यू दे रखी है 50 दे रखी है तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना है, एफ की वैल्यू पुट करना है, 50 यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 32, 50 में से 32 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको क्या करना है, आपको 9 से उस आंसर को कट करना है, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर में 5 को मल्टीप्लाई करना है और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से आप एफ को सी में चेंज कर सकते हैं।
है ना कि f की वैल्यू यदि ये है तो c की वैल्यू ये होगी उसी में, है ना, उसी दायरे में। अब अगर सेकेंड है, सेकेंड कह रहा है कि f की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और c की वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है ना, f की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू आपको दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी फॉर्म में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया इज इक्वल टू के इधर उधर करके, और अब हमने क्या किया कि f की वैल्यू को f को इधर रखा और बाकी f के साथ जितने है ना सबको उधर भेज दिया। तो देखिए यहाँ पर 5/9 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 9/5 हो जाएगा। देखिए हो गया यहाँ पर 9/5, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 क्या है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना, तो ये उधर गया तो क्या हो गया 9/5। अब यहाँ पे -32 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा। ओके, तो f को हमने यही रख करके बाकी सबको उधर भेज दिया, तो डिग्री सेल्सियस के साथ, तो हमारा फॉर्मूला एक ये नया बन गया, ठीक है, नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना ही है, सिर्फ इधर उधर किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बना करके आपको रेडी करके दे दिया है। तो यहाँ पर डिग्री फॉरेनहाइट हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को कट करना है, जो आंसर आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ का जो आंसर आएगा उसमें 32 को ऐड कर देंगे, आगे हमारा डिग्री फॉरेनहाइट, क्लियर। अब बच्चों थर्ड वाला हमारा है, थर्ड नंबर पे कि सी को यदि आपको के में बदलना है तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अगर आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू दे रखी है, तो जो भी के की वैल्यू दे रखी होगी उसमें से 273 को माइनस कर दीजिए, सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यही अगर उल्टा पूछ दे आपसे, आपको के अगर पूछ रहा है और सी की वैल्यू दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसको उधर किया वैसे यहाँ भी करेंगे, के को यही रखेंगे और इनको उठा करके उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सी, और यहाँ पे ये वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वही चीज हुआ है, k के जगह पर c आ गया और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया और हमने यहाँ पर k की वैल्यू निकाली, तो k इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस और +273। अगर हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है तो k में से इसको माइनस करना पड़ेगा, अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो c में से इसको ऐड करना पड़ेगा, c और इसको ऐड कर देंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फोर्थ नंबर था कि यदि k से हमको c फाइंड करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे इसको बनाया हुआ है और इससे इसको बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फाइव नंबर पे कह रहे हैं यदि f अगर आपको फाइंड करना हो और k आपको दे रखा है, k हमको दे रखा है k, ठीक है, और f हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये पूछ रहा है ना, डिग्री फॉरेनहाइट आपसे कह रहा है कि ये बताइए और वैल्यू किसकी दे रखी है। देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है, बट इसने क्या किया, बड़ा होशियारी किया इसने किया क्या कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि किसकी वैल्यू दे दिया, k की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो हम भी क्या है, अगर वो होशियार है तो हम भी होशियार है, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हम भी यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस, देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है, के माइनस 273, है ना, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम क्या रख देंगे, हम इसको नहीं रखेंगे, इसने के दिया है ना तो कोई बात नहीं, हम भी वही रखेंगे, के की वैल्यू रख करके और माइनस ये करके और निकाल देंगे, ठीक है, यानी कि किसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप देखो डिग्री फॉरेनहाइट 5/9, ठीक है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमें ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख दी है, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया हुआ था, के दिया हुआ था, ठीक है ना, तो हमने ये वैल्यू रख दी, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमें रख दिया के माइनस 273, ठीक है, बाकी ये था हमारा +32, वही है, तो फॉर्मूला यही हमारा, इसी फॉर्मूले को हमने इसमें चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, सी की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला, क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तो पूरा सेट करके दे दिया है, अदरवाइज आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक याद रखना है, ठीक है ना, बाकी तो सारी चीजें आप अपने आप ही इधर उधर करके और दिमाग लगा करके कर सकते हैं, इसके साथ तो आप फॉर्मूले के साथ तो प्ले करते हैं ना कि इसकी जगह पे उसको रख दो, इसकी जगह पे उसको रख दो, एक नया रिलेशन बना दो, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहे तीनों फॉर्मूला अगर आपको मतलब तीनों में रिलेशन सी एफ और के में अगर तीनों में रिलेशन आपको अगर एक साथ देखना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला देखिए C/5 = F - 32/9 = K - 273/5 = R/4। इसके बारे में भी बता दिया गया, अदरवाइज इसको आपको करने की वैसे जरूरत है, इसको हटा दो, ठीक है। तो आपका ये रिलेशनशिप बनता है, मतलब अगर आपको C और F के बीच में रिलेशनशिप चाहिए तो आप क्या करिए, फॉर्मूले को यहाँ से तोड़ लीजिए कितना, ठीक है ना, इसको यूज करिए। अगर आपको इसके K और F अगर दे रखा है तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, यहाँ कर लीजिए। अगर आपको ये K और C का रिलेशनशिप दिया है तो बीच से इसको गैप करो,
ठीक है ना, फॉर्मूला लिखो ये इज इक्वल टू ये है ना करके एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपके पास डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला है ना, इसमें से आप कट करके जो पूछेगा वो ये वाला इसको और इसको पूछ रहा है तो बीच से इसको हटा दो, ठीक है ये लो हटा दिया। तो सी अपॉन फाइव इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन फाइव, ठीक है ये आ जाएगा है ना। और अब देखेंगे फाइव से फाइव कट जाएगा, सी इज इक्वल टू के माइनस 273, ये देखिए सी इज इक्वल टू के माइनस 273 यही चीज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी अगर आप देखेंगे ना तो ये यही सारी चीजों को मिक्सअप करके लिखा हुआ है, और अगर आपको सेपरेट निकालना है तो ये देखिए, ठीक है। और अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो फॉर्मूले को याद कर लो और उसके बाद केवल वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा निकालेंगे। बच्चों ये यहाँ पर तो हो गया हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, थ्योरी हो गया, लेकिन इसका एक वीडियो बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना सारा ये थ्योरी नहीं पूछेगा लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं इसको अप्लाई कैसे करना है और तरह तरह के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं कि डायरेक्ट ना देकर के क्वेश्चन बहुत सारी वैल्यू को इनडायरेक्टली पूछता है, ठीक है, कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है, तो उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको वैल्यू नहीं देगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को फॉरेनहाइट में बताओ, तो डिग्री सेल्सियस में आपको पता है उसको फॉरेनहाइट में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी वैल्यू होगी जो कि दोनों में दो यूनिट में इक्वल है ना, ऐसे से करके आप देखेंगे इसको अगर दुगना कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, जो कि हम देखेंगे काफी हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो बच्चों उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, ठीक है, ये दोनों ही वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो ये वीडियो आपका खत्म होते ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थ्योरी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों न्यूमेरिकल के साथ, ओके। तब तक आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी न आए, ओके। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाइस डे।